रही अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं आज बनाऊंगी बीफ देगी कोरमा। ये वीडियो 27वीं चपटी है, मैं अपलोड नहीं कर पाई तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अब इसको थोड़ा फ्राई करा है, गोश्त ढक कर पानी छोड़ दिया है। तो मैंने इसको इतनी देर ढक दिया था कि गोश्त गल जाए। गोश्त गल गया, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है 500 ग्राम। और ये रोटी हमने मंगवाई थी वो भी आ गई है। इसे अच्छे से लपेट देंगे ताकि ये ठंडी नहीं हो। और कोच भी हम यहाँ चेक कर लेंगे कि गल गया है। अभी गला नहीं है गोश्त, इसलिए हमने ढक के रख दिया था इसको। अब गल चुका है तो मैंने इसमें 4 किलो दही डाल दिया है। दही ऐड करने के बाद हमने इसमें पिसावा धनिया ऐड करा है 250 ग्राम, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्ची, 150 ग्राम हल्दी शामिल करी है इसमें। डेढ़ सौ ग्राम कोरमा मसाला आप कोई भी अच्छे ब्रेड का ले सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तरह चमचे से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले की लम्स नहीं बने।
और अब इसको ढक के रख दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसावा खोपरा 150 ग्राम। इसको मैंने भिगो के ग्लेंड कर लिया था और बादाम भी हम 150 ग्राम शामिल करेंगे। इसको मैंने भिगो के इसका छिलका उतार के इसको ग्लेंड कर लिया है। ये हमने 250 ग्राम शामिल करे हैं बादाम और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ हम प्याज फ्राई करेंगे। यह हमारी प्याज फ्राई हो रही है। ये कोरमा मैंने मस्जिद में भिजवाने के लिए बनवाया है क्योंकि वहाँ महफिल हो रही है और सेहरी करेंगे इससे। और इसको बनाने में मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद करी है तो ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसको मस्जिद में भिजवा दूँगी। और प्याज मैंने 5 किलो ली थी, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। आधी मैंने कर ली है फ्राई। इसको आप ज्यादा ब्राउन नहीं करेगा, अगर ज्यादा ब्राउन होगा तो फिर वो काला काला कोरमा बनता है। हल्की ब्राउन करेंगे हम इसको। प्याज फ्राई हो गई है, अब भाई इसको ग्लेंड कर रहे हैं। ये इसमें थोड़ा पानी डाल के हम ग्लेंड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। और ये प्याज ग्लेंड हो गई है, अब हम इसको दही में डाल देंगे। और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको अब तैयार होने में बस आधा घंटा लगेगा। और ये तैयार हो गया है, अब मैं कोरमे का एसेंस इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच डालेंगे हम कोरमे का एसेंस, छोटी चम्मच डालेंगे। और अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, पिसावा गरम मसाला। ये मैंने एंड में 3 चम्मच डाला है। और ये कोरमा तैयार हो गया है और बहुत ज़बरदस्त बना था ये। सबको बहुत अच्छा लगा और अल्लाह ताला हमें लोगों की खिदमत करने की इसी तरह तौफीक दे और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।